वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक छोटा सा आइडिया है और इस पे आईआईटी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को आप वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो और ये वेलोसिटी जो है इसके कारण क्या क्या हो सकता है पे विचार करते हैं। तो यहां ये पॉसिबिलिटी देखिए कि इसके फॉर्मेट में है। प्रैक्टिकली पहले सोचो, यदि मैं हल्का सा हिट करके छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट करेगा, ऐसा कब होता है? When u is less than under root 2gr, r radius का ये सर्किल है और equals to भी ले लेते हैं कभी कभी। Next case 2, complete vertical circular motion। कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा कब होता है? व्हेन यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5gr। और यदि ये दो केस दिख गए तो संभावना तो था एक ऑसिलेशन, दूसरा वर्टिकल सर्कुलर, तीसरा क्या है? केस 3। अब यहां मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी और ये डी। तो लीव सर्कुलर पाथ एंड देन मूव्स लाइक प्रोजेक्टाइल व्हेन यू इज ग्रेटर देन 2gr, लेस देन 5gr, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 2gr, u इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2gr एंड लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 5gr। तो ये हमें प्रैक्टिकली देखना है कि बॉल को हिट करेंगे तो हल्का सा हिट करें, बहुत कम स्पीड हो तो ऑसिलेट करने लगेगा, और यदि बहुत तेज हिट करेंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो उनकी जो लिमिट हम डिराइव करेंगे तो आता है अंडर रूट 2gr या उससे कम है स्पीड तो ऑसिलेट करेगा, और यदि अंडर रूट 5gr से ज्यादा है या बराबर है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट पाथ पे दिखेगा, और यदि उसके बीच में है अंडर रूट 2gr से कम नहीं है बड़ा है लेकिन अंडर रूट 5gr से कम है, तो अंडर रूट 2gr से ज्यादा और अंडर रूट 5gr से कम, तो ये बी और सी के बीच में कहीं सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, बॉल धागा स्लैक हो जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आप देखोगे। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल मोशन का ही तो एक पार्ट है, एक टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये कहां से रिजल्ट आएगा, कहां से रिजल्ट आएगा ये ठीक है उसे देखेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है, इन्हें नोट कर लें, इन्हें याद रखना है हमें। और ये यहां पर पेंडुलम है, मतलब ये स्ट्रिंग होगा यहां सर। इस एग्जाम्पल में नहीं समझ में आया आपके तो बहुत दुखी मत हो, एक बार फिर से देख लो सर, एक मिनट लियो। यहाँ ए पर वेलोसिटी दिया है अंडर रूट जी आर, तुम्हें बताना है कहाँ तक जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? अब क्या लिखोगे? ए टू क्यू बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम,
क्या लिखोगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब वी कितना रेस्ट पे जीरो होता है वो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, और यू कितना दिख रहा है चित्र में, जी आर, अंडर रूट जी आर का स्क्वायर किया तो टू जी एच, टू जी एच इक्वल टू जी आर, एच इक्वल टू आर बाई टू, और एच कैसे लिखते हैं, आर माइनस आर कॉस थीटा। एक दिन सीख लो और जीवन में जब भी काम पड़े लिख देना। एक दिन कैसे सीखोगे, आज ही का दिन है वो जिस दिन सीखना है। यहाँ देखो 90 डिग्री डाल दिया, ये है रेडियस आर, राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें पता होगा ये बेस लिखते हैं आर कॉस थीटा, नहीं पता है तो आज से पता कर लो। और बताओ हाइट कैसे लिखोगे इस कर्व पाथ पे, हाइट कैसे लिखोगे, तो ये होगा हाइट। हाइट देखना सीखा या नहीं सीखा अभी, ये एच कैसे पता चलेगा, एच प्लस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू आर। तो एच बराबर क्या होगा जीवन में, हमेशा सोच लो, इसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें, जब भी थीटा एंगल के लिए एच लिखना होगा याद रखें, इतना इम्पोर्टेंट है कि याद ही रखें। ये नहीं बैठ के टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री खेल रहे हैं और पता चला और कॉस थीटा के बदले आर टेन थीटा लगा दिया और गलत हो गया सारा, याद कर जाओ आज आर इक्वल्स एच इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा। अब चेक करो ये क्या लिखोगे तुम, आर माइनस आर कॉस थीटा बराबर आर बाई टू, यदि यहाँ आ गया तो आर 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 कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा हो जाएगा वन बाई टू, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। सॉल्व करो जल्दी, देखो आया थीटा 60। दो मिनट बाद क्यों सोचना शुरू करते हो, जब कॉलम कागज पे रखते हो तभी से अकल को भी स्टार्ट कर दिया करो, ये नहीं कि अकल स्टार्ट होगा 5 मिनट बाद, शुरू करो तुरंत सोचना। ब्रेन को ये थोड़े ना है कि उसमें रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है काम ही नहीं करता 10 मिनट, तुरंत इफेक्टिव करो। सोचो फाइटर पायलट रहते और तुम विचार करो कि कौन सा बटन दबाऊं बम छोड़ने के लिए, तब तक तुम बम पायलट के साथ प्लेन के साथ गायब हो जाओगे। वहां चाहिए रिएक्शन टाइम 0.001 सेकंड, साधारण बैलगाड़ी चला रहे हो तो 10 मिनट रिएक्शन टाइम है तो बैल सोच लेगा तुमसे पहले, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, लेकिन प्लेन नहीं सोचता तुम्हारे बारे में, तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे कहा गया है कि वेलोसिटी हम कितना प्रोवाइड कर दें, कि मिनिमम कितना प्रोवाइड कर दें कि ये चक्कर लगाकर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए। डेरिवेशन फॉर सेकेंड केस ये है, डेरिवेशन फॉर सेकेंड केस, सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में क्या था वो पहले तुम देख चुके कि चक्कर लगाएगा कब, जब यू क्या हो अंडर रूट 5 जीआर से ज्यादा। अभी मैं क्या मिनिमम दूं कि हम चाहते हैं कि ये कहां पर पहुंच जाए, सी पे पहुंच जाए, ये ओ मान लेते हैं यहाँ पे है, और सी पे पहुंच जाए का मतलब तो समझो वहां पर क्या वो पके, यदि वहां पर वेलोसिटी यदि जीरो हो जाएगा, यदि सी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो बॉल फिर आगे नहीं जाएगा, पके आम की तरह नीचे गिरेगा। तो यदि चाहते हो वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट हो तो वहां वेलोसिटी जीरो कतई नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आम टूटता है पेड़ से तो लेफ्ट और राइट जाके नहीं गिरता, वो सीधे वर्टिकल डाउन गिरता है। तो यदि वेलोसिटी किसी कारण से वहां जीरो हो जाता तो ये पके आम की तरह नीचे गिरता, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो वर्टिकल सर्कुलर के लिए क्या चाहिए, वहां कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए। अब उसके लिमिट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं क्या हो सकता है। ध्यान से देखो, जब नीचे में तुम मिनिमम वैल्यू दोगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगा वो भी कौन सा वैल्यू होना चाहिए, वो भी मिनिमम होना चाहिए। अब एट सी चेक करो, एट सी, सी वाले पॉइंट पे, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ये एट सी से कंफ्यूजन हो तो ध्यान से देखना, एक टेंशन नीचे, एक एमजी नीचे, सर्कुलर पाथ दिख रहा है, वी स्पीड दिख रहा है, सेंट्रिपेटल एक्सलेशन दिख रहा है। कैसे लिखोगे, टी प्लस एमजी इक्वल्स टू एमवी स्क्वायर बाय आर, लिखोगे या नहीं लिखोगे? यहां से वी कितना आ गया वो चेक करो, वी आ गया अंडर रूट आर बाय जी टी प्लस एमजी, ये ब्रैकेट में टी प्लस एमजी और R by G नहीं, R by M। अब मुझे ये बताओ क्या भी समझ में आ गया? अरे सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में क्या सेंट्रिपेटल एक्सलेशन भूल जाओगे? अभी तो चैप्टर चल ही रहा है, अभी से भूलोगे? हाँ,
हाँ वेट करो, अभी काहे का जीरो, अभी तो मेरे पास है ये वी है। अभी अब हम सोचेंगे कि वी को मिनिमम कैसे करें, तो क्या जी बदल जाएगा? मेरे हाथ में नहीं है जी बदलना। क्या मास बदल दूंगा? घूमते हुए बॉल को पहले तोड़ूंगा, आधा मास हटा दूंगा, नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? मास नहीं बदल सकते, रेडियस अभी नहीं बदल सकते, जी नहीं बदल सकते, तो तुम्हारे हाथ में बदलना किसको है? टेंशन। क्या टेंशन कभी नेगेटिव हुआ है? नहीं। टेंशन अधिक से अधिक क्या? टेंशन कम से कम क्या? जीरो। निगेटिव कैसे होगा? तो टेंशन भी मिनिमम करना चाहते हो तो मिनिमम करना चाहते हो तो ओनली ऑप्शन बचा तुम्हारे पास, टी मिनिमम कर दो। और टी मिनिमम करने का मीनिंग तुम्हारे समझ में आ जाएगा, टी जीरो। फिर से बोलो। हाँ मान लेते हैं जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो या तो नीचे गिरेगा या ऊपर भाग जाएगा, लेकिन मैंने तो बैलेंस किया ही हुआ है ना, एमजी तो है ही ना सेंट्रिपिटल देने के लिए, सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करने के लिए एमजी तो है। टी के भरोसे थोड़े नो सर्कुलर पास वहां रखेगा, अभी एमजी भी है। यदि नहीं रहता तब ना हम टेंशन में आते कि भाई टेंशन भी नहीं रहेगा तो सर्कुलर पाथ कैसे होगा, यहाँ एमजी तो है ही। अब मुझे ये बताओ कि वी मिनिमम का वैल्यू आपको क्या दिखा? नाउ वी मिनिमम यहां चेक करिए, नाउ वी मिनिमम कितना हो गया? हाँ ये हो गया आर बाई एम तो था ही, टी को तुमने जीरो कर दिया, प्लस एम जी, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, वी मिनिमम कितना आ गया? अंडर रूट आर जी। लेकिन ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए यू। कोई बात नहीं, यू चाहिए ना, तो अब क्या करते हैं, अब ए से सी में वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ए से सी के बीच। तो ए से सी के बीच कैसे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लिखोगे? ए से सी के बीच वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लिखोगे कैसे? अब वो अगले पेज पे मैं लिखूंगा, इस पेज पे नहीं लिख रहा, यहां तक पहले चले आओ। आपने भी मिनिमम पता कर लिया, यू मिनिमम नहीं पता है, अभी भी मिनिमम पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट पे कुछ ना कुछ स्पीड चाहिए और उसका मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो अंडर रूट आर जी। तो जब भी मिनिमम होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यू भी क्या होगा? मिनिमम। नीचे आप कम से कम वेलोसिटी से उसे थ्रो कर रहे हो तो ऊपर जो मिलेगा वो भी कम से कम वाला होगा। तो हम ए टू सी, ए टू सी, और कहेंगे बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, और फॉर्मूला लिखेंगे काइनेमेटिक्स का, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब मुझे बताओ ए से सी, ए मतलब इनिशियल और सी मतलब फाइनल, फाइनल वाला मुझे पता है अंडर रूट आर जी स्क्वायर, और यू का वैल्यू वही मिनिमम वाला मैं ढूंढ रहा हूं, अभी नहीं पता मुझे, टू जी, और एच के बदले क्या लिखूं आप लोग बताओ? टू आर, परफेक्ट। तो यहां से चेक करिए, यू मिनिमम स्क्वायर कितना हो गया? जी आर प्लस फोर जी आर, तो यू मिनिमम कितना आ गया? अंडर रूट फाइव जी आर। मिनिमम इतना स्पीड होगा तो वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट होगा, यदि इससे ज्यादा स्पीड दोगे तो दे दो, ऊपर टेंशन आ जाएगा, अभी तो टेंशन जीरो है ना, ऊपर स्पीड भी ज्यादा होगा टेंशन भी ज्यादा होगा। तो ये आपके दूसरे पार्ट का डेरिवेशन है कि दूसरे पार्ट में आपने ये तय किया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप यदि चाहते हो तो मैक्सिमम हाइट पे कम से कम आर जी वेलोसिटी होगा स्क्वायर रूट में, तो लोएस्ट पोजीशन पे अंडर रूट फाइव आर जी होगा वेलोसिटी। यदि लोएस्ट पे आप फाइव आर जी से कम दोगे तो मैक्सिमम हाइट तक वो नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही सर्कुलर पाथ छोड़ के टाटा बाय बाय करके सर्कुलर पाथ को प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। हाँ अंडर रूट टू जी आर से ज्यादा है तो, अंडर रूट टू जी आर से कम है तो ऑसिलेट करेगा। तो आपने अभी केस टू पे काम किया जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, अंडर रूट फाइव जी आर मिनिमम। इससे ज्यादा दो खुशी की बात, घूमेगा, और ज्यादा दो और घूमेगा, अब इतना ज्यादा भी ना दो दो कि धागा टूट ही जाए। धागा टूटेगा कहां से, जहां टेंशन ज्यादा होगा, लोएस्ट पोजीशन पे ज्यादा टेंशन होता है तो वहां धागा के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो यदि बहुत तेज हिट करोगे तो टूटने की संभावना लोएस्ट पोजीशन पे ही सबसे ज्यादा है, और वो टूटेगा कब, ये आइडिया इलास्टिसिटी में जाके पढ़ेंगे जब आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस बताया जाएगा किसी मटेरियल का जो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस यदि अचीव कर लेगा तो टूट जाएगा, बाद की बात है। अभी तो फिलहाल इस टॉपिक में यहाँ आओ और मुझे ये बताओ कि आपने वेलोसिटी दिया है अंडर रूट सेवन जी आर, बताओ ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा?
होगा या नहीं होगा? होगा। आपको बताना है यहाँ टेंशन क्या होगा, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, और वहां पर जो टेंशन है वो टेंशन कितना होगा। बस इतनी सी जानकारी मुझे चाहिए। पहले T1 निकालना है, बाद में T2 निकालना है मैक्सिमम हाइट वाला, और वहां पर वेलोसिटी V2 क्या होगा वो भी बता ही देना लगे हाथ। चलो मास M ले लो यार, ठीक, रेडियस R ले लो। तो जब आपको ये सॉल्व करने को कहा गया तो पहला काम तो इसी A पॉइंट पे करोगे आप। सेंट्रिपेटल देख लो एक्सलेशन, MG देख लो नीचे। तो सॉल्व करते वक्त पहला काम कर रहे हैं फॉर T1 कहाँ सोचेंगे, एट ए सर्कुलर मोशन दिख रहा है। T1 माइनस MG इक्वल्स टू MV स्क्वायर, ये V1 कह देता हूँ, MV1 स्क्वायर बाई R। T1 माइनस MG इक्वल्स टू M बाय R इंटू 7GR। T1 आ गया 8MG। एक काम तो खत्म हो गया। अब आपको चाहिए V2। फॉर V2 के लिए सोचेंगे A2C। सर C कहाँ पर है, ले B यहाँ लिख दिया, C यहाँ लिख दिया, D यहाँ लिख दे, आदत बना के रखते हैं। A2C कैसे सोचते थे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। वी स्क्वायर हो गया V2 स्क्वायर, यू स्क्वायर हो गया 7GR माइनस 2G कितना 2R। तो ये कितना हो जाएगा V2 हो गया 7 - 4 3GR। चेक कर लो एक बार, कुछ गड़बड़ ना हो। 4 अंडर रूट, अच्छा ठीक, वी स्क्वायर कह देखो, ये अंडर रूट 3GR आ गया। तो ये V2 हमारे पास आ गया। अब हमें T2 कैसे पता चलेगा भाई, तो इसके लिए भी सर्कुलर मोशन आपको याद करना पड़ेगा, ए सेंट्रिपिटल। अब ध्यान से देखिए, फॉर T2 एट सी या एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं, T2 प्लस MG इक्वल्स टू MV2 स्क्वायर बाई R। T2 प्लस MG इक्वल्स टू M by R और V2 निकाला था हमने अभी अंडर रूट 3GR, तो स्क्वायर करेंगे 3GR। तो यहां से चेक कर लीजिए T2 कितना हो गया, T2 हो गया, आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ एक अल बगल में मैं लिख देता हूँ, T2 इक्वल्स टू हो गया M by R 3GR माइनस MG, और आपको T2 मिल गया 2MG, तो T2 भी मिल गया, और आपको V2 पता चल गया, और आपको ये T1 पता चल गया। और यहाँ एक पॉइंट ऐसा है जो याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं, तो याद रखते हैं कि U जो हो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट 5GR हो, कुछ भी, इफ देन ध्यान से देखो, T2 माइनस T1 अभी कितना आया है, T2 माइनस T1 चेक करो तो कितना आया है, T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 6MG। तो ये एक फिक्स रिजल्ट है कि आप कोई भी वेलोसिटी देके चेक करोगे तो ये जो डिफरेंस आता है वो 6MG ही आता है। ये जो डिफरेंस आता है कोई भी वेलोसिटी हो अंडर रूट 5GR से बड़ा, इवन बराबर भी, तो डिफरेंस जो आएगा, ये T2 और T1 क्या है, T2 और T1 Tmax है और Tminimum है, T1 है मैक्सिमम और T2 है मिनिमम। रास्ते में और किसी पॉइंट पे आप देखेंगे तो इससे अलग ही आएगा टेंशन, इसी के बीच में रहेगा कुछ भी। ये मैक्सिमम कौन सा है, लोएस्ट पोजीशन का, और मिनिमम कौन सा है, टॉप मोस्ट पॉइंट का। जो टेंशन होता है वो लोएस्ट पोजीशन पे मैक्सिमम होता है और अपर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम होता है, और बीच में कहीं भी टेंशन इसी के बीच में आएगा। ये डिफरेंस हमेशा 6MG होता है। तो अभी तो एक आपने देखा मन, लेकिन एक पे मानेगा नहीं। एक और एग्जांपल में मैं डिफरेंस दिखाता हूं आपको। सर, टेंशन मिनिमम कहां होगा, देखो ना, T2 कितना है चेक करो, 2MG, और मैक्सिमम कितना आया है वो है T1। T1 जो भी है दैट इज Tmax, और T2 जो भी है दैट इज Tmin। लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होता है वो मैक्सिमम,
और हाईएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होगा वो मिनिमम, और उनका डिफरेंस हमेशा आएगा 6 mg। और कंडीशन क्या ले रहे हैं आप यहां पर देखिएगा, यदि 1-2 में आप कभी गड़बड़ कर दें तो मैं ये लिखता हूं टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, इनका जो डिफरेंस आएगा ना, ये डिफरेंस आएगा हमेशा 6 mg। इनका जो डिफरेंस आएगा ना हमेशा आएगा 6 mg। ये ध्यान रखना है, ऐसा कब होगा, यू जब बड़ा होगा 5 GRRA तभी तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उससे कम होगा तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ही नहीं। बट तो आपको ये कंडीशन बड़े आसानी से याद रहेगा, अंडर रूट 5 GR से ज्यादा चाहिए स्पीड या बराबर चाहिए स्पीड। अच्छा पिछले पेज पे आए, ये पेज होके है, पिछले पेज पे आ जाओ और पिछले पेज पे मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट पे टेंशन कितना होगा। ओए आराम से, बहुत बढ़िया, T2 जो दिख रहा है, टी मिनिमम जो दिख रहा है 0। अच्छा चलो लोएस्ट पोजीशन पे क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन पे जो T1 आप देखते मैक्सिमम वो कैसे सोचोगे, तो यहाँ पर देखो ये सेंट्रीमीटर ऊपर, ध्यान से देखो टी मैक्सिमम माइनस mg इक्वल्स टू एम यू मिनिमम स्क्वायर, जो भी डिराइव करके लाए हो अपॉन आर। टी मैक्सिमम कितना हो गया mg प्लस m/r, और यू मिनिमम आपने कैलकुलेट किया है 5 GR, रूट 5 GR का स्क्वायर कर दिया 5 GR, तो ये टी मैक्सिमम कितना आ गया 6 mg, और टी मिनिमम कितना है 0, तो डिफरेंस कितना हो गया टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, ये किसके बराबर आ गया 6 mg। आपने इसमें भी देख लिया कि मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस कितना है 6 mg, तो आप अपने चित्र को गंदा करना चाहो तो ओके, नहीं तो अगले पेज पे बनाओ, और नहीं तो मैं बना देता हूँ फिर से और एक एग्जांपल, जैसे आप लिखना चाहें लिखिए, और ना लिखिए याद रखिए ये पी के नंबर है, ये मेंस टाइप एग्जाम में आता है, आईटी को पता है कि सारे बच्चे जो आईटी में सेलेक्ट होने वाले उनको ये याद है, वो नहीं पूछेगा गारंटी, गलती से यदि पूछेगा भी तो मेंस में। हाँ बोलो सर, टी मिनिमम 0 कैसे आया? अरे गधे, जब तुम्हें वी मिनिमम चाहिए था तो वी का वैल्यू पर हो तो इस कोने में जिसको मैंने डब्बे में घेरा है अभी अभी, और मैं फिर से ग्रीन कलर के डब्बे में घेर रहा हूँ, वी का वैल्यू मिनिमम करने के लिए किसको तुम कम कर सकते थे, चेक करो तो, क्या आर को बदल सकते थे, क्या एम को बदल रहे थे क्या, तो टी को कम से कम कितना कर दोगे, ये यू मिनिमम कैसे डिराइव किया था, भूल जाता है यार बच्चा। अरे यू मिनिमम डिराइव करने के लिए तुमने सी पे वेलोसिटी निकालते वक्त कहा था ना कि यू मिनिमम होगा तो वी भी मिनिमम होगा, और वी मिनिमम होगा तो टी मिनिमम होगा, टी मिनिमम होगा तो 0, याद करो। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब पेज बदलो, फालतू का काम कर रहा है ये सर। यहाँ देखो अंडर रूट 8 GR, चलो शुरू हो जाओ, टी मैक्सिमम बताना है, टी मैक्सिमम बताना है, और जब ये चक्कर लगा करके टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो फिर से क्या करना है आपको, ये V2 पता करना है, ये T2 पता करना है जिसे T मिनिमम कहते हैं, और फिर आपको बताना है, क्या बताना है, T मैक्स माइनस T मिन, जिसे कहते हैं टाइम पास करना। शुरू हो जाओ, आपको अंडररूट 8 GR स्पीड दिया है, पहले V2 पता करो, और V2 यदि गलती से मिल जाए, नहीं गलती से क्यों, आप लोग मेहनती हो निकाल ही लोगे, मिल जाए तो टी मैक्स माइनस टी मिन फिर निकालना। शुरू हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए। पहला वाला है क्या, चलो देखते हैं, जिन लोगों का फंसा हुआ है देखो ध्यान से, ए सेंटीमीटर, वाह वाह सही जा रहे हो, ये बी, ये सी और ये डी, चलो ए वाले पॉइंट पे FBD बनाते हैं, mg नीचे की तरफ, T1 ऊपर की तरफ, या टी मैक्स कह लो, टी मैक्स ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, टी मैक्स माइनस mg इक्वल्स टू m V1 स्क्वायर/R, टी मैक्स माइनस mg, या अगले आगे ले गए प्लस mg दूसरी तरफ आया तो हो गया प्लस m/R, और V1 स्क्वायर हो जाएगा 8 GR। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें टी मैक्सिमम का वैल्यू पता चल गया, कितना पता चल गया 9 mg, मैक्सिमम वाला काम हो गया। ये कहां पर सोच रहे थे, एट ए,
सॉल्यूशन मैंने रेड कलर का यहां से लिखना शुरू किया है। अब हम जाते हैं एट सी, टॉप मोस्ट पॉइंट देखना चाहते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये एम जी भी नीचे, पहले तो देखते हैं ए टू सी, ए टू सी वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर माइनस टू जी एच। वी टू स्क्वायर हम ढूंढ रहे हैं, वी वन स्क्वायर हो गया एट जी आर माइनस टू जी टू आर, टू जी टू आर, तो यहां पर कितना मिल गया मुझे वी टू, वी टू मिल गया अंडर रूट फोर जी आर। अब देखेंगे एट सी टी मिनिमम जिसे टी टू कहते हैं प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी टू स्क्वायर बाय आर, टी मिनिमम इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी टू स्क्वायर हो जाएगा फोर जी आर बाय आर, फोर जी आर बाय आर माइनस एम जी, टी मिनिमम हो गया थ्री एम जी। और अब डिफरेंस देखो टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम ये हो गया सिक्स एम जी, ये फिर से आ गया सिक्स एम जी, दो चार दस बार सिक्स एम जी आ जाएगा फिर जीवन भर याद रहेगा सिक्स एम जी आता है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, बहुत कष्टकर लग रहा हो तो मान लें कि ये फ्री के नंबर है, इससे ज्यादा आसान नहीं पूछ सकता कोई एग्जाम में। सिक्स एम जी है टी टू माइनस टी वन, ये रटा हुआ डाटा सिक्स एम जी। हाँ जरूरी है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो, इसलिए लोएस्ट पोजीशन पे अंडर रूट फाइव जी आर से ज्यादा स्पीड हो या बराबर। जिन लोगों के समझ में आया है हैंड राइज करो जल्दी जल्दी। ठीक है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सक्षम बालक कहाँ हो, आजकल बातचीत नहीं हो पाती है अपनी, कुछ तो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। आपको ये पता चल गया कि बॉल को यदि हम स्पीड देते हैं u, तो केस वन में आपने देखा u लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी आर तो ऑसिलेशन होगा, देन ऑसिलेशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन का चांस नहीं बना फिर। और यदि आप देखते हैं केस टू यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट फाइव जी आर तो आपने क्या देखा, देन कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और अब बचा कौन सा केस, तो इन दोनों के से जो छूट गया वो इन दोनों के बीच का वैल्यू, ये ए कह देते हैं, यहाँ ये फिक्स है, ये यहाँ कहीं बी, ये सी और ये डी इसी लाइन पे। अब हम क्या कहते हैं कि यू यदि इनके रेंज में आए, अंडर रूट टू जी आर से तो बड़ा हो गया और अंडर रूट फाइव जी आर से छोटा, देन प्रोजेक्टाइल starts between B and C, between B and C, B और C के बीच में projectile start होगा कहीं, क्यों, तो क्योंकि धागा slack होगा कहीं पे, जिसके बाद circular path छूट जाएगी और B and C, अरे under root 2 gr से ज्यादा है या नहीं, पक्का, अरे सुन ले बालक, under root 2 gr से ज्यादा है तो B से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, पक्का ना, और बी के ऊपर कहां तक जाएगा, क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा सी पे, नहीं, क्यों, क्योंकि सी पे जाने के लिए अंडर रूट फाइव जी आर चाहिए, अंडर रूट फाइव जी आर है ही नहीं, तो बी सी से पहले कहीं छूट जाएगा सर्कुलर पाथ, फिर क्या बनेगा प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल बी से सी के बीच में बनेगा यदि राइट साइड तुमने थ्रो किया है ए से बी की तरफ। अब प्रोजेक्टाइल बनेगा ये यदि फील आने लगा हो तो एक काम करेंगे, अगले एग्जाम्पल में यही पता करेंगे कि आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कहाँ होगा, उस समय टेंशन कितनी होगी, उस समय वेलोसिटी क्या होगा, और जब प्रोजेक्टाइल बनेगा तो अब सी पॉइंट मैक्सिमम तो नहीं होगा हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम क्या लगेगा मैक्सिमम हाइट तक सर्कुलर पाथ छोड़ के जाने में, सारा कहानी प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा। तो चलो देखते हैं,
आप अगले एग्जाम्पल में ये ट्राई करिए कि वेलोसिटी है अंडर रूट 4gr। अब ये तो पक्का हो गया कि सर्कुलर मोशन तो एक जगह कहीं ना कहीं छूटने वाली है, ये लिफ्ट सर्कुलर पाथ। तो लिफ्ट सर्कुलर पाथ ये कहीं तो मानेंगे से, मान लिया तो उसके लिए वो थीटा क्या होगा एक तो ये बताओ, उस समय स्पीड क्या हुई एक ये बताओ, और लिव सर्कुलर पाथ यदि कांटेक्ट होता है तो नॉर्मल जीरो होता है, यदि टेंशन है तो टेंशन जीरो होगा, जब टेंशन जीरो होगा तो सर्कुलर पाथ छूट रहा है, धारा स्लैक हो रहा है, मतलब तभी तो टेंशन जीरो होगा, और स्लैक होने की टेंडेंसी का मतलब है सर्कुलर पाथ छोड़ना। तो ये कंडीशन सोचेंगे कि सर्कुलर पाथ छोड़ने का क्या मीनिंग, और उस पॉइंट पे तुम्हें भी बतानी है, वहां थीटा बताना है कहां ऐसा होगा दुर्घटना, और फिर यह भी बताना है कि उसके बाद जब ये स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड कितनी होगी, वहां जो स्पीड होगी वो वी नॉट क्या होगा वो भी हम ढूंढेंगे। तो आराम से पहले थीटा पता करो और वी पता करो, यदि कॉन्टेक्ट होता, यहाँ कॉन्टेक्ट तो है नहीं तो टेंशन सोचो, यदि कॉन्टेक्ट वाला कहानी होता तो नॉर्मल सोचते, सरफेस छोड़ने का मतलब नॉर्मल जीरो, ये सर्कुलर पाथ छोड़ने का मतलब टेंशन जीरो, जिसमें भी आएगा मुझे क्या बोल दो, टेन इनवर्स साइन इनवर्स कुछ भी हम सोचते रहेंगे। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता करें किस एंगल पे ये सरफेस छोड़ेगा, सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। सर क्वेश्चन बताना है, थीटा बताना है जहां सर्कुलर पाथ छोड़ने की शुरुआत करेगा ये बॉल, और उस जगह भी क्या होगा ये भी बता दो। सर सर्कुलर पाथ छोड़ने का क्या मतलब है?